थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार तो ट्रिपल सी पे इतने सारे थैंक्स आ गए कि मैं पढ़ते 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 थक गया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप सब ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय व्यूअर्स, कि आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि यूट्यूब का रिज़ल्ट, हम लोगों का ट्रिपल सी का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे को जब मैंने सारे पढ़े, मतलब सारे इन द सेंस इतना तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर इवेंट में हर कुछ मिनट्स में इतने सारे मैसेजेस आ गए बच्चों के, और रिज़ल्ट के पास होने के बाद सब ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आई एम सो मच थैंक यू ऑल, कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए नोट्स इतने अच्छे लगे कि आप लोगों का ट्रिपल सी। कुछ बच्चों ने तो कहा कि सर मैंने सिर्फ 3-4 वीडियो देखे थे और मेरे 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो आई रियली वांट टू थैंक यू वंस मोर, एंड टुडे इज़ अ डे विच वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 6 डेज। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100 टॉप कैंडिडेट्स को, जो मैं रेंडमली सर्च करने वाला हूँ, जिन्होंने मेरा लास्ट क्विज सॉल्व किया था, और उस क्विज का आज मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा और उन सभी बच्चों के नाम को भी रिवील करूंगा, जो कि आज जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे मेरा ये टेस्ट क्वालिफाई किया था। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये जो टेस्ट का सही सॉल्यूशंस है वो बता दूं, और टेस्ट के सॉल्यूशंस देख लीजिए। इन 100 बच्चों के जो नाम होंगे वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैंने एक PDF के फॉर्म में डाल रहा हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डाल दिए हैं। पहले तो मैं आप लोगों को नाम और ये क्या डिटेल है वो दिखा दूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने अभी तक दिखाया नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरे को काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस चेक करने थे, और मेरे पास लगभग मान के चलिए कि मोर देन 900 से ज़्यादा लोगों ने पेपर सॉल्व किया। इट वॉज ए सो सरप्राइज, और लगभग मैक्सिम्स के क्वेश्चन सही थे, लेकिन कुछ ने गलत भी किया। मैं भी आंसर्स दूंगा। मैंने आपके नाम यहाँ पे लिख दिए बिकॉज मेरे को हर कैंडिडेट का नाम नहीं आया था, मेरे पास ईमेल आई थी, तो मेल में जो नाम दिया था मैंने उसी से प्रेडिक्ट किया। और आपके मैंने व्हाट्सअप नंबर जो आपने यहाँ पर मेरे को दिए हैं अपनी मेल IDs में नीचे, मैंने वो नंबर डाल दिए हैं कि थोड़ी सिक्योरिटी के कारण मैंने शुरुआत के 5 डिजिट हाइड किए हैं, बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं चाहते कि सबको अपने नंबर्स पता चले। तो इसीलिए आप लोग इन 100 कैंडिडेट्स के नाम अपने चेक कर लीजिए, और अगर आप नहीं भी चेक कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं इनको अभी शाम तक सारे, मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ एक एक करके, और ये सभी बच्चों को एक साथ मैं सारे के सारे आप लोगों को जो भी ट्रिपल सी का मटेरियल है, जो कि आप लोगों को ज़रूरी मैंने प्रॉमिस किया था हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज जिसमें, मैं अभी आप लोगों को सेंड करूंगा आज शाम तक वो, और कुछ बच्चों को हो सकता है अगर ब्रॉडकास्ट में सब ऐड हो गए तो शाम तक, बट नेचुरल है आपको सब मिल जाएगा। उसमें हिंदी इंग्लिश की PDFs हैं, बुक्स हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का ये पूरा मटेरियल में बुक्स हैं, साथ ही साथ आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, और इसमें आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसके साथ साथ PDF फाइल्स मिलेंगी जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने थोड़े दिन पहले कुछ बताया भी था कि कुछ पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस आता है, इसलिए सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे, तो मैंने आपको अलग से एक PDF भी दिया, और बच्चों ने देखा कि हाँ ISO मॉडल्स, आप लोगों का बफर्स, और यहाँ तक कि फ्लिप फ्लॉप्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, तो वो सब भी इसी में ऐड किया गया है। अपडेट सिलेबस जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह की, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी हैं। ये उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो कि टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को बताते हैं कि सर मैं कहीं जॉब पर हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1-1.5 महीने बैठ के पढ़ूँ, या 500-600 वीडियोज़ या 100 वीडियोज़ पूरा पढ़ूँ, तो मुझे बिल्कुल कंसाइज दे दीजिए कि मैं आसानी से निकल जाऊँ। तो इसी को ध्यान पर रखकर मैंने सारा मटेरियल डिज़ाइन किया है, और इनफैक्ट कुछ अलग अलग ऑथर्स की बुक्स भी मिल जाएंगी, कुछ बैंकिंग और UPCL और इन सब से भी जुड़े हुए अच्छे खासा कंटेंट है। तो ये सब आप लोगों को, जिसकी कॉस्ट 200 रुपीज़ हैं हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में 100 रुपीज़ है, तो ये सारा का सारा मटेरियल बच्चे मुझसे अलग से परचेज भी करते हैं, हम लोग उनको प्रोवाइड भी करते हैं इंक्लूडिंग ऑल वीडियोज़। लेकिन अभी 100 स्टूडेंट्स को रैंडमली सर्च करने के बाद इन सभी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैं इस तरह के छोटे छोटे क्विज प्रोग्राम्स लगातार हर मंथ कंटिन्यू करूँगा, ताकि आप सभी को, जिन लोगों को पैसे बचा सकते हैं या जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये फ्री में मिल सके। और कोशिश ये
भी है कि ओ लेवल के भी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इसी तरीके से छोटे छोटे टेस्ट पेपर में लेकर आए। आपको बता दें ये जो पेपर्स मैंने आपको अभी जो 20 क्वेश्चंस दिए थे, ये 20 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जुलाई अगस्त और सितंबर में इन क्वेश्चंस में से जो जो आए थे उन्हीं से मैंने लिया गया था। मेरे यहाँ जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने कुछ बच्चों के स्क्रीन से स्क्रीनशॉट्स लिए थे, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनको ज़रूर करिए, इनको ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ आज सुबह मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस आप लोगों को और दिए हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा जो लोग नवंबर और दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इस बुक के नीचे या इस वीडियो के नीचे आप लोग अपना नाम देख लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा पहले से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शंस हो गया है। आप लोगों में सभी ने मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का, वो तो एक रैंडम है। मेरे पास 1100 बच्चों में से मेरे को 100 लेने हैं तो जाहिर है कि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास फ्री कंटेंट काफ़ी कुछ सफिशेंट अवेलेबल है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज ब्राउज़र, इनमें से कौन सा ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए इसमें सबसे पहली गड़बड़ी ये होती है कि बच्चे सबसे पहले गूगल लगा देते हैं। तो आपको बता दें गूगल कोई ब्राउज़र थोड़ी है, गूगल एक सर्च इंजन है। एक्चुअली देखा जाए तो गूगल बेसिकली एक कंपनी है जो एडवर्टाइज़ करती है, ये मार्केट में एडवर्टाइजिंग के लिए काम बिजनेस करती है, ये प्रचार का काम करती है। अब इसने प्रचार को बढ़ावा देने के लिए, उनका मेन बिजनेस कोर बिजनेस एडवर्टीजमेंट ही है, लेकिन उसको देखते हुए इन्होंने सर्च करना, इन्होंने वर्चुअल ड्राइव स्टोरेज क्लाउड्स दुनिया भर की चीज़ें ये अपने साथ बेचती हैं, तो वो भी सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ब्राउज़र की, तो आप लोग देखते होंगे कि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और ये विंडोज़ के साथ आता है। बहुत सारी जगह पे इसे IE के फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा, इसका पूरा नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो पहला जवाब हो गया फर्स्ट का ए। नेक्स्ट, GIF और JPG फाइल्स के एग्जांपल बताइए। ये GIF किसके एग्जांपल्स हैं, क्या ये वर्ड की फाइल होती हैं, वीडियोस, ऑडियोज़ और इमेजेस? आपको बता दें इसका सही एग्जांपल या सही सॉल्यूशन है बी, ये एक प्रकार की फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ की फाइल्स को GIF और JPG कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल को डोमेन से जोड़ता है? आपको बता दें कि आप लोग इंटरनेट पे जो ऊपर वेबसाइट निकलते हैं उसी वेबसाइट एड्रेस से ही हम लोगों की पर्टिकुलर कंपनी का जो डोमेन है जिसे आप लोगों ने ऊपर www करके टाइप किया है वही चीज़ लिंक होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका URL जो है वो आपके कंप्यूटर, जब आप ऊपर किसी कंपनी की वेबसाइट लिखते हैं वेबसाइट को URL कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के डोमेन से उसे लिंक कर देता है। नेक्स्ट है, टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्राउजर्स आर, इनमें से कौन सा ब्राउज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है? लिनक्स, मिंक्स, लिनक्स तो है ही नहीं, और उसके बाद नेटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर, मोसैक। आपको बता दें ब्राउज़र्स की लिस्ट में यही दोनों हैं, बाकी में से मिक्सड हैं। तो नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये दोनों ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब किसने डिराइव किया था? अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर आपने गूगल किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसको डिराइव करने वाला जो पर्सन या काम, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ टाइप का सिलेबस है। द वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो कॉल्ड वेब इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स इंटरलिंक बाई हाइपरलिंक्स एंड एसेसिबल वाया द इंटरनेट। तो ये वेब भी कहलाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, और ये इसमें हम लोग वेबसाइट्स से जोड़ते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं, और इनको टिम बर्निंग-ली ने इन्वेंट किया था और ही रोड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इन 1990 ही एम्प्लॉयड ऑफ CERN स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपका सही जवाब है, इन्होंने जो टिम बर्निंग-ली थे वो वहाँ इस कंपनी में काम करते थे, तो यहीं से वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत हुई। तो ये है इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन आया था, वैसे तो ये CCC का कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस ये डाल ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेजेस टू ऑल स्लाइड, सभी स्लाइडों में एक जैसा बैकग्राउंड डालना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आप इमेजेस डालेंगे सभी बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड आप लोग स्लाइड मास्टर में डाल देंगे, इंसर्ट करेंगे पहली स्लाइड में या कॉपी करेंगे? अब आपको बता दें कि इसका सही जवाब बी है। अगर आप स्लाइड मास्टर में कोई फ़ोटो, कोई एनिमेशन या कोई लोगो डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स में एक जैसा पड़ जाता है। तो 6 का बी है सही जवाब। नेक्स्ट है, EEP प्रॉम क्या होता है?
इरेजिबली इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये है इसका राइट। इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, मेमोरीज को रैम रोम दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया है, ये वोलाटाइल है ये नॉन वोलाटाइल है। इसमें भी स्टैटिक डायनामिक रैम्स होती है, रोम में पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम होती है। प्रोग्रामेबल रैम्स या रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम क्या होती है, ये एक प्रकार की रोम चिप ही होती है, लेकिन इसको आप लोग वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि रोम में जो होता है वो डेटा लिख दिया जाता है तो वो परमानेंट रहता है, उसको आप लोग दोबारा मिटा के नहीं लिख सकते, यही उसकी डेफिनेशंस भी है। लेकिन आपको बता दें कि रोम चिप्स जो होती हैं, कुछ रोम चिप्स जैसे आपकी बायोस हो गई, इसमें एक बायोस राइटर आता है, आप लोग उस पर रख कर उसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले ये जब हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स किया था तब मैंने, बहुत अच्छा काम है बायोस राइटिंग का भी। तो बायोस राइटिंग के लिए हम लोग रोम में रोम की चिप निकाल लेते हैं, आपके मदरबोर्ड में लगी रहती है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली दोबारा रिचार्ज करके उसके ऊपर दोबारा से हम लोग अपनी बायोस राइटिंग कर देते हैं। तो ईईपी रोम जो होता है उसमें डेटा इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है, और ईपी रोम जो होता है ये इरेजिबल प्रोग्रामेबल होता है, उसको इलेक्ट्रिकली भी इरेज कर सकते हैं, डिजिटली भी इरेज कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक प्रकार का रोम की चिप्स हैं। तो इसका आपको आंसर पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिलोंग करता है। जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल। यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए होगा कि हमारा अगर कोई बैकग्राउंड कलर डालते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया, मान लीजिए इस तरह का हमने एक येलो कलर डाल दिया। अब अगर मैं इस येलो कलर्स को हम लोग व्यू करते हैं तो प्रिंट लेआउट में तो ये दिखता है, प्रिंट लेआउट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्रिंट प्रीव्यू मांगा गया था। आप रीड कर सकते हैं, रीड करते समय देखिए ये भी आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा पूरा का पूरा, और वेब लेआउट में भी आप लोग देख पाएंगे, ये रहा वेब लेआउट, यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखते हैं जो कि आपका कंट्रोल F2 में रहता है, तो आप देखेंगे इस पर बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता। तो इट मीन्स कि आपका प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड डिसेबल हो जाता है, विजुअल नहीं होता है। प्रिंटर की रिजोल्यूशन किस में नापी जाती है, डॉट पर इंचेस DPI में प्रिंटर की रिजोल्यूशन नापी जाती है, यही इसका सही जवाब है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए वोलाटाइल मेमोरी, वोल्टेज पर आधारित मेमोरी रैम होती है। सिंपल से क्वेश्चन है, लाइट गई डेटा चला गया। पेंट का एक्सटेंशंस क्या है, पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है, BMP पेंट का है, बिट मैप पिक्चर्स कहते हैं, जो कि एक प्रकार की बिट मैप से मिलकर बनती है, छोटी छोटी से डॉट से। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू टीच स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर से अगर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाना है बच्चों को, तो सबसे बेस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा, और सबसे बेस्ट होता है PowerPoint। PowerPoint से ही हम लोग अपने बच्चों को प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करके देते हैं। लिनक्स क्या है, लिनक्स कंपाइलर है, असेंबलर है, नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी मदद से हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। DOS, यहाँ पर कई सारे बच्चों ने गड़बड़ की है। DOS कमांड इज टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ फाइल्स। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों ने एट्रिप कमांड लगा दिया था, तो आपको बता दें यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ फाइल, फाइल देखने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है, तो इसका सही जवाब DIR है, ये काफ़ी सारे बच्चों का गलत है। पावर कैंट कैन बी एम्बल्ड विद द साउंड, हाँ पावर पॉइंट में आप लोग साउंड वीडियोज एनिमेशन डाल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ट्रू। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, चलिए इसका सही जवाब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मल्टीमीडिया नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये गलत हो गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर यूज ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स वर्ड आ जाए तो इट मींस लाइट, ऑप्टिक फिजिक्स का एक चैप्टर है ऑप्टिकल, तो ये लाइट पर आधारित होता है, गलत जवाब। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइट पर आधारित नहीं होते, आप लोगों का लेज़र जो होती है, लेज़र प्रिंटर, दैट इज़ डिपेंड ऑन द लाइट, तो वो लाइट प्रिंटर पर आधारित। डॉट मैट्रिक्स तो एक फिजिकल, एक तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि फिजिकल मैकेनिज्म पर काम करता है। पिक्सल जो है वो स्मॉलेस्ट डॉट होती है जो स्क्रीन पर दिखती है, बिल्कुल सही, स्क्रीन पर जो अभी आपको दिखती है वो सबसे छोटी डॉट को हम लोग पिक्सल कहते हैं। इन वर्ड सुपरस्क्रिप्ट फीचर्स की मदद से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपको दिखा भी देते हैं, अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और अगर आप गौर से देखें तो ये आप लोगों को दोनों वर्ड दिख रहे होंगे, दिस इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और दिस इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट करते तो ऐसा जाता ना कि ऐसा, तो ये गलत हो गया। तो आई थिंक आपको अब सारे आंसर्स पता चल गए कि आपने सही आंसर्स
क्या होने चाहिए और आपने क्या आंसर्स लगाए हैं। और अब ये इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शंस खोलना है, पीडीएफ में अपना नाम देख लीजिए, शाम तक वेट करिए, मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है किट का वो आपको दे रहा हूँ। एंड थैंक यू ऑल दीज मेंबर्स, आप सभी ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया, अच्छा है, आप लोगों की थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो गया। और ट्रिपल सी के इसी तरीके के वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है ट्रिपल सी और ओ लेवल्स की, नीचे कमेंट्स करिए, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपके कमेंट्स का ही एक्सप्लेनेशंस होगा। जितने भी बच्चों ने कमेंट्स किया है उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ताकि आपके कमेंट्स पर जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एक बार विजुअली डिस्क्राइब कर सकें हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।